हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू रुचि उपाध्याय केमिस्ट्री क्लासेस। आज का जो टॉपिक मैं आपको समझाऊंगी, डेट इज़ मैन्युफैक्चरिंग ऑफ पोर्टलैंड सीमेंट। सीमेंट का जो मैंने प्लेलिस्ट रेडी किया है, उसमें मैंने व्हाट इज सीमेंट, क्लासिफिकेशन ऑफ सीमेंट समझाया था और पोर्टलैंड सीमेंट क्या होता है उसके बारे में डिस्कस किया था। साथ साथ मैंने जो रॉ मटेरियल यूज़ किए जाते हैं पोर्टलैंड सीमेंट में, उनके कंपोजिशन को भी डिफाइन किया था। तो आज का वीडियो देखने से पहले आप ज़रूर वो वीडियो पे ध्यान दीजिएगा, उनको समझने के बाद आप जब ये वीडियो देखेंगे तो ये भी आपको समझ में आता जाएगा। तो आज पहले मैं आपको ये समझाऊंगी कि मैन्युफैक्चरिंग ऑफ पोर्टलैंड सीमेंट जो हम पढ़ने जा रहे हैं, उसमें रॉ मटेरियल, स्पेशली आप रॉ मटेरियल्स जानते हैं जिनका कंपोजिशन भी मैं पहले के वीडियो में दे चुकी हूँ, तो रॉ मटेरियल्स के मैं एक बार नाम ले लूँगी एंड देन उसके बाद हम मैन्युफैक्चरिंग में डिफरेंट डिफरेंट जो स्टेप्स यूज करते हैं वो डिफरेंट डिफरेंट स्टेप्स को वन बाय वन मैं एक्सप्लेन करूँगी। पोर्टलैंड सीमेंट की यदि हम रिक्वायरमेंट की बात करें कि क्या क्या रॉ मटेरियल की रिक्वायरमेंट होती है, तो इसमें स्पेशली फोर रॉ मटेरियल हैं जिनके कंपोजिशन मैं लास्ट लेक्चर में आप लोगों को समझा भी चुकी हूँ, जिसमें से पहला है द लाइम, जिसको हम CaO कंपोनेंट के नाम से भी जानते हैं, पहले भी समझाया हुआ था, हम इसको कैल्केरियस मटेरियल भी बोलते हैं। दूसरा रॉ मटेरियल जिसकी रिक्वायरमेंट होती है पोर्टलैंड सीमेंट के मैन्युफैक्चरिंग में, दैट इज सिलिका, जिसको हम सिलेशियस मटेरियल भी बोलते हैं, और कई सिलेशियस मटेरियल होते हैं जो मैंने लास्ट लेक्चर में समझाया हुआ है। द एल्यूमिना Al2O3 कंपोनेंट, जिसको हम आर्जिलेशियस मटेरियल भी बोलते हैं, ये भी एक रॉ मटेरियल के फॉर्म में यूज किए जाते हैं। एंड द आयरन कंपोनेंट Fe2O3 के फॉर्म में आयरन कंपोनेंट जो होते हैं, जिसको हम फेरी फेरस मटेरियल बोलते हैं। ये चारों के चारों रॉ मटेरियल हैं जिनकी ज़रूरत पोर्टलैंड सीमेंट के रिक्वायरमेंट में पड़ती है। अब जब हम मैन्युफैक्चरिंग करते हैं तो मैन्युफैक्चरिंग में डिफरेंट डिफरेंट स्टेप्स होती हैं, तो दीज स्टेप्स आर, यहाँ पे लिखा हुआ है द एक्चुअल मैन्युफैक्चरिंग इन्वॉल्व्स द फॉलोइंग ऑपरेशंस। नंबर वन, क्रशिंग। जब हम मैन्युफैक्चरिंग करते हैं तो स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है जिसको हमें करते जाना है, तो नंबर वन इज क्रशिंग, नंबर टू प्रोसेस इज मिक्सिंग, नंबर थ्री इज बर्निंग, नंबर फोर प्रोसेस इज ग्राइंडिंग एंड नंबर फिफ्थ इज पैकेजिंग, एंड उसके बाद शिपमेंट के लिए वो तैयार हो जाता है, उसकी शिपिंग की जाती है। तो रॉ मटेरियल आपके सामने हैं जिनकी ज़रूरत पड़ती है पोर्टलैंड सीमेंट के मैन्युफैक्चरिंग में, और पोर्टलैंड सीमेंट के जब हम मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं तो वो डिफरेंट डिफरेंट स्टेप्स क्या हैं, दैट इज क्रशिंग, मिक्सिंग, बर्निंग, ग्राइंडिंग एंड लास्ट इज पैकेजिंग, और उसके बाद वो शिपिंग के लिए रेडी हो जाता है। नाउ वी विल डिस्कस वन बाय वन, फर्स्ट वी विल डिस्कस क्रशिंग, देन मिक्सिंग, देन बर्निंग, देन ग्राइंडिंग एंड देन पैकेजिंग करके कैसे इसकी शिपिंग की जाती है, अब हम वो डिस्कस करेंगे। मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में फर्स्ट नेम जो मैंने लिया था डेट इज क्रशिंग, तो आपके सामने ये क्रशिंग लिखा हुआ है। क्रशिंग का मतलब होता है कि जो बड़े बड़े पार्ट्स में हमारे रॉ मटेरियल है उनको क्रश करके हम थोड़ा स्मॉल पार्ट्स में करते हैं, तो हम उसके लिए उसको प्राइमरी क्रशर एंड सेकेंडरी क्रशर में डालते हैं। तो क्रशिंग में है, इट इज़ डन बाय प्राइमरी क्रशर। किस में होता है? प्राइमरी क्रशर में किया जाता है। अब उसमें क्या होता है, इसका जो साइज़ होता है, किसका, लाइमस्टोन का जो साइज़ होता है, उसको हम अप्रॉक्सीमेटली 5 inches तक बहुत कम उसको करने की कोशिश करते हैं, और देन उसके बाद अगैन हम उसको किस में डालते हैं, सेकेंडरी क्रशर में डालते हैं, और सेकेंडरी क्रशर में डालने के बाद कम से कम 3/4 पार्ट इसका क्या करते हैं, और रिड्यूस कर देते हैं। तो फर्स्ट जो प्रोसेस रहती है मैन्युफैक्चरिंग में, फर्स्ट वी डू क्या, क्रशिंग करेंगे, और क्रशिंग करने के बाद रॉ मटेरियल की, देन वी विल डू मिक्सिंग। नाउ सेकंड प्रोसेस इज मिक्सिंग। मिक्सिंग कब होता है, जब क्रशिंग हो जाती है, क्रशिंग के बाद स्मॉल पीसेस में करने के बाद हम मिक्सिंग करते हैं, और मिक्सिंग में भी कुछ क्रशिंग की प्रोसेस होती भी हैं, लेकिन हम जानेंगे कि मिक्सिंग क्या है। तो मिक्सिंग की जो प्रोसेस है, या तो ये ड्राई प्रोसेस भी होती है और इसमें वेट प्रोसेस भी होती है, तो यहाँ लिखा भी हुआ है दिस प्रोसेस कैन बी डन इधर बाय ड्राई प्रोसेस और बाय द वेट प्रोसेस, दोनों प्रोसेस होती हैं और मैं आपको दोनों ही प्रोसेस समझाऊंगी। तो फर्स्ट हम जानेंगे व्हाट इज़ ड्राई प्रोसेस। ड्राई प्रोसेस में क्या होता है कि जब हम रॉ मटेरियल लेते हैं और
और वो रॉ मटेरियल क्या है, लाइक हमारे जो कैलकेरियस एंड आर्जिलेशियस मटेरियल होते हैं जब हम उसको लेते हैं, तो वो कैलकेरियस एंड जो आर्जिलेशियस मटेरियल हैं उनको पहले हम क्रश करते हैं और फाइन पीसेस में, और ग्यूरेटी क्रशर में जाके उसको जब हम क्रश करते हैं तो 2 to 5 centimeter के साइज़ के पीसेस में उसको हम कन्वर्ट कर देते हैं। आफ्टर डैट हम अगैन फिर से क्या करते हैं, उसको ग्राउंडेड करते हैं फाइन पाउडर में, और वो फाइन पाउडर में ग्राउंडेड करने के लिए हम उसको डालते हैं किस में, जो बॉल मील्स होता है उसमें डाला जाता है। बॉल मील्स में डालने के बाद वो फाइन पाउडर में कम्प्लीटली कन्वर्ट हो जाता है और फिर उसको हम सेपरेटली क्या कर लेते हैं, स्टोर कर लेते हैं। स्टोर कहाँ करते हैं, हम उसको स्टोर करते हैं स्टोरेज बीन में। बीन्स में जो स्टोरेज बीन क्या होते हैं, दैट इज़ एक तरीके का उसका नाम है सिलॉज। सिलॉज करके एक स्टोरेज बिन होता है जिसमें हम क्या करते हैं, ये फाइन पाउडर जो बॉल मील्स में होके अच्छे खासे फाइन पाउडर में कन्वर्ट हो जाते हैं उनको हम सिलॉज में क्या कर लेते हैं, स्टोर कर लेते हैं। और स्टोर करने के बाद हमारा ये जो फाइन पाउडर होता है वो रोटरी क्लीन के लिए रेडी हो जाता है, और रोटरी क्लीन में ही हम अपनी थर्ड प्रोसेस करते हैं, डेट इज़ बर्निंग प्रोसेस, जो कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रोसेस बर्निंग प्रोसेस, जिसमें स्पेशली अपने को केमिकल चेंजेस दिखाई पड़ते हैं। तो दिस इज ड्राई प्रोसेस। ड्राई प्रोसेस में हमने क्या लिया, जो रॉ मटेरियल लिए थे डेट इज कैलकेरियस एंड आर्जिलेशियस जो मटेरियल लिया था, उसको हमने ग्यूरेटरी क्रशर में पहले उसको क्रश करके बहुत स्मॉल साइजेस में कन्वर्ट किया, देन हमने उसको बॉल मील्स में डाल के और फाइन पाउडर में कन्वर्ट किया। फाइन पाउडर में कन्वर्ट करने के बाद हमने उसको स्टोरेज बिन में स्टोर कर दिया, जिसको हम सिलॉज भी बोलते हैं, और वो हमारे लिए रेडी हो गया किसके लिए, रोटरी क्लीन के लिए रेडी हो गया। रोटरी क्लीन में डालने के लिए वो रेडी हो गया। नाउ नेक्स्ट प्रोसेस इज वेट प्रोसेस। नाउ नेक्स्ट इज वेट प्रोसेस। ड्राई प्रोसेस में आपने देखा कि जो हमने कैलकेरियस और आर्जिलेशियस मटेरियल को लिया था उसको क्रश करके स्मॉल पीसेस में किया, और उसको फाइन पाउडर में कन्वर्ट करने के लिए हमने उसको बॉल मिल में डाला था, देन उसके बाद हमने उसको स्टोरेज बिन में क्या किया था, स्टोर किया था, एंड स्टोर करने के बाद जिसको हम सिलॉज भी बोलते हैं, और देन वो रोटरी क्लीन में फॉर बर्निंग के लिए रेडी हो चुका था, उसको रख लिया गया था। ऐसे ही वेट प्रोसेस है। वेट प्रोसेस में हम क्या करते हैं, जो कैलकेरियस मटेरियल होता है उसको पहले हम क्या करते हैं, क्रश करते हैं, और क्रश करने के बाद उसको पाउडर के फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद हम उसको एक बिग स्टोरेज टैंक होता है जिसमें हम डाल देते हैं, डेट इज सो कॉल्ड सिलॉज, जो मैंने पहले भी बताया था ड्राई प्रोसेस में। देन उसके बाद जो आर्जिलेशियस है, कैलकेरियस मटेरियल को क्रश किया, क्रश करने के बाद फाइन पाउडर में कन्वर्ट करने के बाद उसको हमने स्टोरेज टैंक में क्या किया, स्टोर कर लिया, जिसको हम सिलॉज बोलते हैं। फिर आर्जिलेशियस मटेरियल को क्या किया हमने वेट प्रोसेस में, आर्जिलेशियस मटेरियल होते हैं जिसको हम क्ले मटेरियल भी बोलते हैं, वो जो क्ले मटेरियल होते हैं उनको हम क्या करते हैं, मिक्स करते हैं वाटर के साथ एंड वॉश मिल में वाटर के साथ हम क्या करते हैं, आर्जिलेशियस मटेरियल को मिक्स करते हैं। क्यों मिक्स करते हैं, हम मिक्स इसलिए करते हैं टू रिमूव द अडहरिंग ऑर्गेनिक मैटर, जितने भी अडहरिंग ऑर्गेनिक मैटर होते हैं इनको रिमूव करने के लिए। और इस तरीके से ये एक कैसा कंडीशन हो जाता है, इसका वेट कंडीशन हो जाता है। ये वेट कंडीशन होता है बिकॉज इसको हम वॉश किसके साथ कर रहे थे, वाटर के साथ कर रहे थे, वाटर मिल्स में कर रहे थे। अब ये जो हमें जो वेट मड मिक्सर जो मिलता है वो वेट मड मिक्सर जो कहलाता है, दैट इज सो कॉल्ड स्लरी, वो क्या कहलाता है, स्लरी कहलाता है। अब ये जो स्लरी हमारा होता है इसमें 38 to 40% तत्व क्या होता है, वाटर होता है, और ये जो वाटर के फॉर्म में रहता है हमारा जो स्लरी जो होता है थोड़ा सा, उसको हम स्टोर कर लेते हैं किसमें, स्टोरेज टैंक में, और स्टोरेज टैंक में स्टोर करने के बाद वो रेडी हो जाता है किसमें जाने के लिए, रोटरी किल में डालने के लिए रेडी हो जाता है, जहाँ पे बर्निंग की प्रोसेस होती है। तो आपने देखा ड्राई प्रोसेस हो या वेट प्रोसेस हो, दोनों ही प्रोसेस में हमने क्रश किया, क्रश करने के बाद फाइन पाउडर में कन्वर्ट किया, फाइन पाउडर में कन्वर्ट किया हमने ड्राई प्रोसेस में, देन उसको स्टोरेज बीन में या जो स्टोरेज टैंक है सिलॉज में डाला, एंड उसको सेपरेटली स्टोर करने के बाद फिर हमने रोटरी क्लीन के लिए उसको प्रिपेयर कर दिया, वो रेडी हो गया कि अब रोटरी क्लीन में डाल जा सकते हैं। और इसमें थोड़ा सा डिफरेंस ने को दिखा कि पहले कैलकेरियस जो मटेरियल थे उनको हमने स्मॉल पीसेस में कन्वर्ट किया, और स्मॉल पीसेस में कन्वर्ट करने के बाद सिलॉज में उसको पुट कर दिया, स्टोर कर दिया, और जो आर्जिलेशियस मटेरियल थे जिसको हम क्ले भी बोलते हैं, वो आर्जिलेशियस मटेरियल को वाटर के साथ हमने क्या किया, वॉश मिल में मिक्स किया, और जब हमने कंटिन्यूसली मिक्स कर रहे, क्यों कर रहे थे कि हमें उसमें से रिमूव करना था अडहरिंग जितने भी ऑर्गेनिक मैटर थे, और जब ये रिमूव हो गया तो हमारा जो मिली वो जो रिमूव हुए वो क्या थे, डेट इज़ एक फॉर्म में
में हमारा जो रेडी हुआ डेट इज अ स्लरी। अब ये जो स्लरी थे, इस स्लरी में 38 से 40% तो क्या था, हमारा वाटर का पार्ट था। इसको हमने स्टोरेज टैंक में क्या कर लिया था, स्टोर कर लिया था, और ये भी अब रेडी हो चुका है रोटरी किल्न में वर्क करने के लिए। ये आपके सामने एक फ्लो डायग्राम है कि कैसे मैन्युफैक्चरिंग हो रही है वेट प्रोसेस के थ्रू पोर्टलैंड सीमेंट की। तो वेट प्रोसेस की ये छोटा सा फ्लो डायग्राम आपके सामने। आज मैंने आपको समझाया टॉपिक में कि हाउ कैन वी प्रिपेयर या मैन्युफैक्चरिंग ऑफ पोर्टलैंड सीमेंट, और पोर्टलैंड सीमेंट के कुछ स्टेप्स में मैंने आपको समझाया व्हाट इज़ क्रशिंग एंड व्हाट इज़ मिक्सिंग, और मिक्सिंग में दो प्रोसेस समझाई, ड्राई प्रोसेस एंड वेट प्रोसेस। मेरा जो पार्ट टू पोर्टलैंड सीमेंट का है उसमें मैं बर्निंग की प्रोसेस आपको समझाऊंगी कि किस तरीके से बर्निंग की प्रोसेस होती है और कैसे केमिकल चेंजेस होते हैं रोटरी क्लीन में, और रोटरी क्लीन में चेंजेस होने के बाद देन फिर हम नेक्स्ट प्रोसेस क्या लगाते हैं वो हम पार्ट टू में जानेंगे। थैंक यू सो मच।